18 फरवरी रविवार को यूनाइटेड हॉस्पिटल गोंदिया द्वारा गोंदिया में वॉकथॉन 2024 का आयोजन किया गया था। गोंदिया जिला के एसपी निखिल पिंगले द्वारा झंडी दिखाकर इस वॉकथॉन की शुरुआत की गई। अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता तथा रोजाना दिनचर्या में व्यायाम का महत्व समाज में फैलाना ही इस वॉकथॉन का उद्देश्य था। 2 किलोमीटर की इस वॉकथॉन यूनाइटेड हॉस्पिटल से शुरू होके जयस्तंभ चौक से वापस यूनाइटेड हॉस्पिटल में समाप्त हुई। इस वॉकथॉन को उत्स्फूर्त प्रतिसाद देते हुए लगभग 1200 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, जिसमें से 100 से ज्यादा मरीजों ने हिस्सा लिया। ये वो मरीज थे जो यूनाइटेड हॉस्पिटल गोंदिया में रोबोटिक ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, एंजियोप्लास्टी, ब्रेन की सर्जरी तथा किडनी की जटिल सर्जरी प्रक्रिया से गुजर के भी आज एक स्वस्थ जीवन बिता रहे हैं। गोंदिया शहर के सीनियर डॉक्टर चैटर्जी भी इस अवसर पर उपस्थित थे और उन्होंने यूनाइटेड हॉस्पिटल के इस उपक्रम की सराहना करते हुए सभी को बधाई दी। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट, गोंदिया। इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, अनुभवी डॉक्टर से सज्ज, सभी प्रकार के आयुर्वेदिक दवाइयां मिलने का एकमात्र स्थान। इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर।